हेलो फ्रेंड, दिस इज अवर नेक्स्ट प्रोग्राम डिटरमाइन वेदर नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। यू व्हाट इज परफेक्ट नंबर? सो हियर अ नंबर इज 28। तो सपोज हमने यहाँ पर 28 एक नंबर लिया है, हमें बताना है कि जो 28 है हमारा, ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर निकालने के बाद जब हम उनके फैक्टर का सम करेंगे तो सेम नंबर अगर हमें रिटर्न में मिलता है तो डैट इज़ योर परफेक्ट नंबर। सपोज 28 इज़ योर परफेक्ट नंबर एंड द फैक्टर ऑफ योर 28 इज़ 1, 2, 4, 7, 14। फैक्टर कैसे निकले? ऐसे नंबर जो 28 को, ऐसे नंबर जो 28 से डिवाइड हो जाएंगे, डैट इज़ 28 फैक्टर। ओके, और इन्हीं फैक्टर्स का हमने नेक्स्ट लाइन में सम करके इस प्रोग्राम को बट अब इस प्रोग्राम को हम पाइथन में कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक यूज़र थ्रू इनपुट करवाएंगे नंबर 28। अब हमें क्या करना है, इन नंबर का सम करना है, सम डिफाइन करना है। तो हमने सम की इनिशियल वैल्यू 0 डिफाइन कर दी है। सम की इनिशियल वैल्यू 0 डिफाइन करना कंपलसरी होता है, अदरवाइज जब आप सम करेंगे तो यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू होगी सम की, यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू होगी सम की, वो आपको पता नहीं होगी क्या होगी, तो आपको एरर दे देगा। ये 0 इनिशियल वैल्यू डिफाइन करना कंपलसरी होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम रेंज देंगे। रेंज क्यों दे रहे हैं? बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5, हम पे 5 नंबर हैं, तो हम पे 1 से या 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं, तो उसके लिए हम सीरीज़ का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर, तो हमने यहाँ पे सीरीज़ के लिए फॉर का यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पे लिखा है फॉर आई, आई इज़ अ वेरिएबल, यू कैन, आई इज़ अ वेरिएबल, यू कैन टेक अदर वेरिएबल ऑल्सो, आई जे के एल एम ए बी सी डी वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। ओके, सो यू कैन टेक, बट आई एम टेकिंग योर आई फॉर आई इन रेंज 1, 2, num। हमने रेंज दी है 1 से लेके 28 तक। ओके, एंड वन मोर थिंग्स यू रिमेंबर, अगर आपने यहाँ पे num के प्लेस में अगर आपने num प्लस 1 डिफाइन कर लिया रेंज को, बिकॉज़ हमने आपको बताया था कि जो हमारी रेंज वैल्यू है, जो भी आप डिफाइन करते हैं, सपोज अगर आप यहाँ पर 6 से डिफाइन करेंगे तो उससे कम देता है ना, तो यहाँ पे ये 5 तक देगा। तो सेम अगर हमने यहाँ पे num लिखा है, तो हमें ये num से, सपोज हमने यहाँ पे num लिखा है मीन्स 28, तो हमें 28 से कम वैल्यू देगा। ओके, बट अगर आप यहाँ पे num प्लस 1 डिफाइन कर देंगे तो आपको ये एरर देगा, 0 डिवीज़न एरर। तो आपको यहाँ पे तो जो आपकी वैल्यू है वो 28 तक ही डिफाइन करनी है, क्योंकि अगर आप num प्लस 1 ले लेंगे तो जो आपका नंबर है वो 28 से भी डिवाइड हो जाएगा और प्लस होके आ जाएगा, तो आपका परफेक्ट नंबर सो नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है लूप का, बिकॉज हमें ये रेंज की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाना है 1, 2, 3, 4, 5। सो डैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर आई प्लस 1। बट कंडीशन क्या है, जो आपका अगर नंबर है, अगर उसकी वैल्यू और सम की वैल्यू, सपोज आपका नंबर 28 है एंड सी देयर एंड प्रोग्राम सो दिस इज माई प्रोग्राम डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज परफेक्ट नंबर। हेयर वी हैव डिफाइंड num फॉर यूजर थ्रू इनपुट एंड वैल्यू ऑफ सम इज 0। नेक्स्ट लाइन फॉर आई इन रेंज फॉर लूप, इफ अगर आपकी जो कंडीशन है ये, अगर आपकी जो आई की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, ये अगर आपकी 28 से डिविजल हो गई, जो भी नंबर 28 से डिविजल होगा तो उसका सम करके देगा और देन इसमें इंक्रीमेंट होगा, और नेक्स्ट लाइन में हमने कंडीशन शो की है। सो let's save your program and run your file. I am writing here, press enter. So number is perfect number. Okay, again I am writing here number, I am writing here number 26. So number is not perfect number. Okay, so this is your output, this one and this one. Okay, thank you.